नमस्कार, मैं माही और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल P24 न्यूज एक्सप्रेस। आइए करते हैं शुरुआत आज की खास खबरों के साथ। वीर सुरेंद्र साय के जन्म स्थान खिंडा में 213वीं जयंती पालन। साल में एक बार याद आने वाले शहीद वीर सुरेंद्र साय के जन्म स्थान खिंडा में शहीद वीर सुरेंद्र साय के जयंती वर्ष में संसद में साय की प्रतिमा सत्यापन बैठाने की कई बार मांग की जा रही है। राष्ट्रीय महानायक शहीद वीर सुरेंद्र साय जी का 213वां जयंती उनके जन्मभूमि खिंडा में पालन किया गया। हालांकि उनके गृह नगर खिंडा गांव के विकास के साथ महान योद्धा की जयंती पर उनकी प्रतिमा को संसद में लगाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। आज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान योद्धा सुरेंद्र साय की 213वीं जयंती है। राष्ट्रीय नायक स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और 37 साल होने जेल में बिताए। उन्होंने अपने युद्ध के वर्षों के दौरान असुरगढ़ और हजारीबाग जेलों में अपने जीवन का बलिदान दिया। आज उनकी जन्म स्थली खिंडा सहित संबलपुर जिले में उनकी जयंती मनाई जाती है। हालांकि आज तक इस राष्ट्रीय महानायक को उतना सम्मान नहीं दिया गया है जितने के वो हकदार थे। संसद में नायक सुरेंद्र साय की प्रतिमा की स्थापना के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन यह मांग केवल एक मांग ही बनकर रह गई। इतिहास से पता चला है कि 37 साल की जेल किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन में एक दुर्लभ घटना है, लेकिन अब तक उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। यह भी मांग है कि उनकी मातृभूमि में सुधार और उनकी प्रतिमा को स्थापन करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास, ब्रजराज नगर के विधायक किशोर मोहंती, ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री सुशांत सिंह बरगड़ के, सांसद सुरेश पुजारी रेड़ा खोल के, विधायक रोहित पुजारी रेंगाली के, विधायक नावरी नायक रेंगाली, पूर्व विधायक रमेश पटुआ दुर्योधन गर्दिया, संबलपुर सांसद नितेश गंगादेव, पूर्व सांसद नलनी कांत प्रधान शामिल होकर साय के जन्म स्थान को बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस बार जयंती बैठक में नायक सुरेंद्र साय के सम्मान के लिए भुगतान करना आवश्यक है और संसद में उनकी प्रतिमा को स्थापित करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। हर साल नायक सुरेंद्र साय की जयंती पर उनके संघर्ष को याद करने के लिए उनके जन्म स्थान पर माल्य अर्पण किया जाता है, लेकिन फिर से उन्हें भुला दिया जाता है। हालांकि संसद में महानायक सुरेंद्र साय जी की मूर्ति की स्थापना और अपनी मातृभूमि के सुधार के साथ यही इस नायक के लिए वास्तविक सम्मान है। रेंगाली टाइगर के संस्थापक अध्यक्ष चिंतामणि बाग पिंटू बेहरा की अगुवाई में सैकड़ों युवाओं ने सुरेंद्र साय के जन्म स्थान तक मार्च किया और प्रतिमा पर माल्य अर्पण किए। संबलपुर से सूरज पोदार की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। हेलो, आयु प्रज्ञा ईश्वर प्राप्त श्री सत्यनारायण चरणारविंदे श्री समृद्ध
श्रीचरणारविंदे जगन्नाथ शरणारविंदे मंत्र स्वाजलि समर्पयामि। बोले समलेश्वरी माता की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। चलो स्रोत ऑन करो ऑन करो ऑन करो पूरा किया लो बस बस वेरी गुड। हां स्टेप में आ गया। हां चलो सर कौन सा करिए सर नो ये हम चतुर परम जो पूरा 213 वर्ष पूर्व कोई माटी रे हेथिला वीर सुरेंद्र साय जे देश मातृका पई जीवन देते बोध हुए पृथ्वीर सबुठ लंबा समय जेल रे रही संग्रामी इतिहास ठीक से आकलन करना नेलसन मेंडेला यांकटु कम समय जेल रे रहिला परे भी विश्व प्रसिद्ध हेले आम समस्त दायित्व वीर सुरेन्द्र साईंकर जो बलिदान जो गाथा जो वीरत्व आज भी प्रेरणादायी आज भी नुआ पीढ़ी को समाज पाई देश पाई उत्सर्गीकृत हवापाई प्रेरणा दे आसुच्छे। आज तर जन्मदिन में जन्मभूमि को दर्शन करार सौभाग्य मिलला। आज गोटे पवित्र दिन ओडिशा पाई पवित्र दिन यटी में वीर सुरेन्द्र साय जन्म होते यटी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी सुखद संयोग आम समस्ते आज संकल्पना नवा उचित एम प्रेरणा देश आज स्वाधीन होश आज यही अवस्था आपको सुरक्षित रखा विचार को ये मूल्यबोध को सब दायित्व दिजाव स्वतंत्रतार 75 वर्ष 2022 देश वीर सुरेन्द्र साईंकर जन्ममाटी ये गोटे भव्य स्मारक हो नागरिक मानकर जिलार आम राज्य ओडिशार अपेक्षा भारत सरकार या दायित्व नब। आज राज्य सरकार मंत्री मानक अनुरोध करजे मुख्यमंत्री को यह विषय आलोचना करी ओडिशा सरकार और भारत सरकार मिसिकी एपर्त हो सुरेन्द्र साईंकर स्मृति पीठर गोटे बड़ खसड़ा प्रस्तुत करा हो भारत सरकार तार दायित्व नब। देखु प्रधानमंत्री 2 वर्ष तले झारसुगुड़ा एयरपोर्ट को जाति उद्देश्य उत्सर्गीकृत कला अवसर में वीर सुरेन्द्र साईंकर नाँ नामित करते आज से ही जगह गोटे बड़ मूर्ति सुंदर मूर्ति 60 लक्ष टा खर्च करके लगला। से अवसर में मुझे अंचल को आसी मो अंचल लोकसभा प्रतिनिधि भी आगु थी ये अंचल को आहरी विकसित करने पड़ो विशेष हीराकुद डैम उपर मुंडे एक सुंदर जगह आज 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 भारतवर्ष सब पवित्र दिवस ये अंचल प्रथम स्वाधीनता आंदोलन 1857 28 वर्ष पूर्व ये माटी लड़ीला ब्रिटिश विरुद्ध सुरेन्द्र साईं नेतृत्व में सुरेन्द्र साय खटे सिंह हरि सिंह बरी सिंह कुलाबीरार जमीदार लखनपुर जमीदार ये अंचल जो विप्लवर बन्ही उठी आज तार मुख्य पुरोधा तर जन्ममाटी आम उपस्थित अच्छु। सुरेन्द्र साय 37 वर्ष पृथ्वीर इतिहास एत लंबा समय क्रांतिकारी जेल रहा विरल उदाहरण हो वीर सुरेन्द्र साय आज तर जन्मतिथि तांकर गाँव तांकर स्टेच्यू पाखे आज आउ गोटे सुरेन्द्र साईंकर पूर्ण अवयव स्टेच्यू सुरेन्द्र साय एयरपोर्ट सामने उद्घाटित हे आम श्रद्धाजलि जोड़ाप चाहूँ आउ तांकर जो आदर्श से आदर्श से प्रेरित होगा चाहूँ जो स्वप्न देखी पश्चिम ओडिशापी भारत बर्षपाई से स्वप्न को साकार करने आमको आहरी कठिन परिश्रम कर पड़ो से क्रम आशा करूँ जे समस्त पूरा समाज सुरेन्द्र साईंकर बलिदान द्वारा प्रभावित हो नुआ भारत। आज ये पवित्र दिवस रे वीर सुरेन्द्र साय जे सारा भारत वर्ष रे स्वाधीनता संग्राम अंशग्रहण करते आज 213वीं जयंती रे
आमे तंकु आज माला अर्पण कलु एवं आज मुझे अत्यंत खुशी जे आज आमर तांकर इयरे एयरपोर्ट वीर सुंदर साई गोटे स्टाच्यू हो देखिथे जहाँ ओडिशा माननीय मुख्यमंत्री दाबी क्रमे वीर सुरेन्द्र साय एयरपोर्ट है तेणु आज समस्ते आज संकल्प ना सुरेन्द्र साय विषय आगामी दिन में कमी ठीक हम समस्ते आज संकल्प ना समाज किभली सेवा करवा से जपर बलिदान देते देशपाई आसतु समस्ते मिसी ओडिशा को आज संपूर्ण रूपे गढ़ी तोलवा माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व निश्चित भाव में सबुब सरकार उद्यमरत रही आम चेष्टा कर प्रत्येक वर्ष सुरेन्द्र साईंकर जयंती आसे जन्मभूमि को मुझे दिन प्रत्यक्ष भाव में ये अंचल एम एल ए से दिन ये अंचल को मोर जीवास सदा सर्वदा था गोटे पूज्य भूमि एवं जो मटी सुरेन्द्र साय और सुभाष बोस जन्म होती बड़ पवित्र मटी किसी ना जो मैंने स्वाधीनता संग्राम निजक तिल तिल कर जलांजलि देते जलांजलि को सार्थक करने आम समस्त कि कर्तव्य अच्छी से कर्तव्य को आम मैंने समस्त जी सुचारू रूप से पालन करपारा तो निश्चित रूप में जो जीवन से माने संग्राम करते से जीवन संग्राम सार्थक समर्पण जिला कम स्वाधीनता संग्रामी आम व्यक्तिगत भाव में सब आसी भी आम जमी आम कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री तरफ सरकार तरफ निष्पत्ति निश्चित भाव कि गाँव को निश्चित जो सम्मान मिलवा कथा और ये जो विकास हवा कथा निश्चित पूर्व सिपाही विद्रोह भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम कितु आम जब देखा संबलपुर वीर सुरेन्द्र साय स्वाधीनता संग्राम सारा भारत प्रथम या बहिरे स्थानित करवा ये सब जिन दावी कि ये गवेषणा करनी जो मुझे सब जिस कितु निश्चित जहाँ अवदान ताको निश्चित आम मान लोकलोचन को आने दरकार सर उन्नयनमूलक कार्य के आरंभ हो बर्ष बर्ष धरी अवहेल तो कैबिनेट निष्पत्ति तो निश्चित आम जल्दी ये काम आरंभ हम एवं यहाँ को जो यहाँ गोटे आदर्श गाँव आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।